सेकेंड लेक्चर ऑफ आवर प्रोजेक्टाइल मोशन कल हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देख लिया था इंट्रोडक्शन में बेसिकली हम लोग ने प्रोजेक्टाइल मोशन किस तरीके से होता है उसके मेकेनिजम क्या है उसके अंदर के टर्म्स क्या क्या है एंड उनके मैथमेटिकल फॉर्मुलाज फॉर एक्साम्पल हम लोग ने देख लिया था किस तरीके से वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में पहले डिक्रीज होती है एंड फिर इंक्रीज होती है बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन एंड ऑल्सो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऑलवेज रहती है बिकॉज दर इज नो एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस ये सब चीजें हम लोगों ने कल क्लियर कर ली थी साथ ही साथ हम लोग ने जाना था टाइम ऑफ एसेंट टाइम ऑफ डिसेंट टाइम ऑफ फ्लाइट हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम हाइट मैक्सिमम रेंज कब आएगा एंड रेंज और हाइट के बीच में क्या रिलेशन है सब चीजें देख ली थी और एक क्वेश्चन में निकाला था राइट तो होपफुली आप, आप सबने कल का लेक्चर देखा होगा जो नहीं देखा बेटा कल लिंक डिस्क्रिप्शन में वहां जाकर के आप चेक कर सकते हो प्लेलिस्ट पूरी मिल जाएगी आपको जरूर 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 कवर कर लो क्योंकि आज का लेक्चर है ना उसमें हम लोग कल का बहुत यूज करने वाले हैं बेसिकली आज हम लोग करने वाले हैं कुछ क्वेश्चन जो हम लोगों ने कल पढ़े थे बेसिक प्रोजेक्टाइल मोशन से राइट एंड अलॉन्ग विद दैट हम लोग जानेंगे रेंज और हाइट किस तरीके से एंगल के साथ वेरी करता है यानी अगर मैं विलोसिटी को कॉन्स्टेंट रख दो और एंगल को चेंज करूँ तो किस तरीके से प्रोजेक्टाइल पर इंपैक्ट पड़ेगा ये तो हम लोग देखेंगे साथ साथ हम लोग करेंगे कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी ठीक है सबसे पहले इसी से स्टार्ट करते हैं कि वट इज द इम्पैक्ट ऑफ चेंजिंग द एंगल ऑन हॉरिजोंटल रेंज एज वेल एज हाइट तो इन सब को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले एक सबसे पहला काम जो हम लोग करेंगे हम लोग करेंगे एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो करेंगे ताकि हम लोग के सामने पिक्चर तैयार रहे ठीक है तो लेट्स से कि ये हमारा ग्राउंड था बेटा इसमें तुमने क्या किया तुमने फेंक दिया प्रोजेक्टाइल ठीक है एक बॉल फेंक दिया लेट्स से इसकी विलोसिटी कितनी बच्चा लेट्स से यू से तुमने फेंका एंड हॉलिस से ये थीटा रेंज बना रहा ठीक है तो इसका मोशन कुछ इस तरीके का होगा रहा होगा राइट ओके सो दिस दिस इज इज वेयर वी वी अचीव द मैक्सिमम हाइट ये भी सबको पता है सो दिस 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 इज इज वेयर वी अचीव मैक्सिमम हाइट एंड आवर हॉरिजॉन्टल रेंज ठीक है ये u हो गया दिस कॉम्पोनेट इज u cos थीटा दिस इज u sin थीटा ये सब जानते हैं हम लोग वेक्टर में पढ़ चुके ऑलरेडी इससे रिलेटेड बात एक बार जल्दी से लिख ले गया एक्स एक्सिस की बात करते हैं हम लोग एक्स एक्सिस में बेटा यू कितना है यू कॉस थीटा यू एक्स ऑलवेज

ई एक्सिस में बेटा यू वाई कितना हो जाता है यू साइन थीटा राइट v क्या होगा v चेंज करता जाएगा वेलोसिटी इसलिए हम लोग पता नहीं कर सकते जो हम लोग को जहां पर पूछेगा वहां पर हम लोग बताएंगे मैक्सिमम हाइट पे कितना होता है वेलोसिटी जीरो y डायरेक्शन में x डायरेक्शन में कांस्टेंट रहेगा राइट नाउ व्हाट अबाउट एक्सीन इन y एक्सलेशन इन y एक्सिलेशन y हो जाता है -g y माइनस बिकॉज एक्सीन इज अ वेक्टर क्वांटिटी और डाउनवर्ड डायरेक्शन को हम लोग नेगेटिव लेके चल रहे हैं व्हाट इज द मैक्सिमम मैक्सम साइन स्क्वायर थीट अपॉन टू जी ये सब हम लोगों ने कल कवर कर लिया था इसके साथ साथ हम लोग ने ये भी देख लिया था दैट वॉट इज टाइम ऑफ फ्लाइट टू यू साइन थी जी राइट याद है ये सबको और टाइम ऑफ एसेंट क्या होता था यू साइन थी टाइम ऑफ डिसेंट भी थीटा एंड दैट इज हाउ टी ए प्लस टी डी टाइम टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता 2U sin theta by G. Two times हो था टाइम ऑफ एसेंट और डिसेंट के ठीक है तो ये सब डेटा हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया था अभी हमारा फोकस है अभी हमारा फोकस है वेरिएशन ऑफ वेरिएशन ऑफ आर एंड एच विथ विथ थीटा मतलब अच्छा अभी सीन क्या है देखो आर और एच को पहले कंपेयर देखो तुम जरा एक बार आर और एच को कंपेयर करो इस आर और एच में एक कहानी हमने पढ़ी थी सर आर और एच में वेरी तुम क्या करा सकते हो यू या थीटा दो चीजें तुम्हारे पास वेरिएबल जी तो कॉन्स्टेंट है बेटा जी अर्थ का मामला अर्थ संभालेगा सो यू कैन टू थिंग्स अभी राइट ना हम लोग का फोकस किस पे थीटा पे देखो यू के रिस्पेक्ट में देखने की जरूरत नहीं है इसीलिए जरूरत नहीं है कि वेलोसिटी के दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो भी वेलोसिटी वेलोसिटी स्क्वायर के यानी अगर टू बढ़ेगा तो ये फोर टाइम्स बढ़ेगा ठीक है वेलोसिटी बढ़ेगा तो थ्री टाइम्स होगा तो ये नाइन टाइम्स हो जाएगा और दोनों के साथ ये ऐसा सास हो क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बट यहां पर जो एंगल का लफड़ा है ना इन दोनों में इफ यू सी एक में स्क्वायर थीटा एक में टू थीटा इसका मतलब एंगल में वेरिएशन आ सकता है हाइट और रेंज एक जैसा बिहेव नहीं करेंगे एंगल के साथ और ये सही भी है ठीक है ये प्रैक्टिकली भी हम लोग समझ लेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मैथमेटिकली देख लेते हैं so, ठीक है सो हम लोग वेरिएशन ऑफ आर एंड एच थीटा इसके अलावा हम लोगों ने कल एक और बात देखी थी अगर तुम्हें याद हो आर बाई एच का रेशियो फोर बाई टेन थीटा याद है क्या सबको आर बाई एच का रेशियो देखा था हम लोग ने फोर बाई टेन थीटा यह भी कल हम लोग ने क्लास में लास्ट क्वेश्चन के पहले देखा था जस्ट ठीक है

साइन थीटा थीटा सबको पता है uh, मतलब सब तो पढ़े बेसिक ट्रिग्नोमेट्री दिस इज योर पाई दिस इज टू पाई दिस इज साइन कर्फ ठीक है ये तो ठीक है सर 2 theta? 2 theta हो जाएगा तो बेटा जो पहले तुम मान लो थीटा जब 90 होता था तो साइन 90 पे क्या था? तो ये एक होता था अब तुम थीटा का वैल्यू 90 रखते हो तो टू कि पाई बन जाता है यानी कि कर्व क्या हो गया देखो जब जहां पर 90 होता था वहां पर टू पाई मिल रहा है पाई मिल रहा है समझ लो जहां पर 45 मिलता था 45 में साइन कितना हो जा रहा है देखो थीटा 45 तो साइन कितना हो जाएगा मैन थीटा इज फोर्टी फाइव साइन का अंदर में कितना हो जाएगा साइन नाइन्टी हो जाएगा साइन नाइनटी मतलब वन मैक्सिमम यानी कि जहां पर तुम्हारा यह था अब यह तुम्हारा क्या मिल रहा है फोर्टी फाइव डिग्री पे मिल रहा वन का वैल्यू ठीक है इसका मतलब नाइनटी पे तुमको कितना मिल जाएगा बेटा नाइनटी मतलब पाई बाई टू पे इस बार जीरो मिल रहा पहले पाई पे जीरो मिलता था मिल रहा पाई टू पे मिल रहा पहले पाई बाई फोर पे तुमको मैक्सिमम मिल रहा क्या तुम्हें समझ में आ रहा है तो कहानी ऐसे चल करके ये देखो पाई का पीरियडिक हो गया ये साइन थीटा है एंड दिस इज साइन टू थीटा अगर कर्व, कर्व में चेंज आया बेटा कर्व का पीरियड में चेंज आ गया तो हंड्रेड एंड टेन परसेंट डेटा में भी चेंज आएगा यानी कि साइन टू थीटा है तो जैसे जैसे थीटा को वेरी कराओगे इस बार वेरिएशन कुछ अलग आने वाला है ठीक है उसका जो उसका जो पीरियड है वो चेंज हो गया इसका मतलब फिज... अब इसको ये तो हम लोग मैथमेटिक हो गई ये तो मैथ्स हो गया ग्राफ हो गया ट्रिग्नोमेट्री हो गई वट हैपन्स टू आर ये समझते हैं पहले ठीक है सो टू थीटा के साथ जैसे वेरी कराते हो तो ये कल हम लोगों ने देखा था सर हम लोगों ने कल एक बात देखी थी कि रेंज में थीटा एंड नाइन्टी माइनस थीटा

इसका मतलब पिक्चर कुछ इस तरीके का होगा देखना एक बार दिखाने की कोशिश करेंगे तुम्हें कि अगर वेलोसिटी सेम है सर तो लेट से कि तुमने फेंका पंद्रह पे तो पंद्रह के साथ कौन मैच खाएगा बेटा नाइन्टी माइनस पंद्रह विच इज सेवेंटी फाइव तो तुम अगर बहुत ऊंचा फेंकोगे तो भी कहानी यही होगी ठीक है इसके साथ सर, अच्छा सर वॉट है थर्टी डिग्री पर फेंका लेट से तुमने थर्टी पे फेंका तो थर्टी के साथ कौन मैच खाएगा बेटा सिक्सटी वाला ठीक है अच्छा सर ये ये कौन कौन सा एंगल है देखो दिस इज आवर मैं ना काम करता हूँ कलर चेंज कर देता हूं सो so देट तुम्हें ध्यान रहेगा थोड़ा सा दिस इज आवर फिफ्टीन एंड सेवेंटी फाइव वाला कर्व ठीक है जस्ट फॉर द सेक ऑफ लर्निंग और थोड़ा इजी पड़ जाए मैं कलर ही चेंज कर देता हूं राइट सो ब्लू लाइन रिप्रेजेंट्स 15 एंड 75 राइट एंड ब्लैक लाइन रिप्रेजेंट बेटा ब्लैक रिप्रेजेंट बी एल के लिख देता हूं, हूं. So ये मान के चल रहे हैं कि यू हम लोग का सेम है एंड एंड अगर मैं पूछूं कि यहां पर मैक्सिमम रेंज कब मिलेगा तो तुमको हमें पता सर मैक्सिमम रेंज कब मिलेगा उसको मैं डॉटेड से रिप्रेजेंट करता हूं सो लेट्स डॉटेड से represent करेंगे. दिस इज गोइंग टू बी ऑर मैक्सिमम रेंज ये कब होगा बेटा ये कब होगा 45 डिग्री ठीक है ये कब है 15 डिग्री ये कब है 75 डिग्री ठीक है ये कब है 60 डिग्री ये कब है 30 डिग्री और राइट और ये जो ब्लैक लाइन है ये से नीचे रहेगा वाई तुम खुद समझदार

थ्री पाई फोर पे माइनस में मिलता है एंड पाई पे जीरो जाता है राइट ठीक है ये भी ठीक है सर एक और बात रेंज के बारे में थीटा एंड नाइन्टी थीटा के लिए रेंज सेम बिहेव करता है यानी फिफ्टीन सेवेंटी फाइव के लिए जो रेंज होगा वो सेम होगा हॉरिजॉन्टल रेंज की बात हो रही है एंड अगर मैं बात करूँ थर्टी और सिक्सटी के लिए तो अगेन रेंज सेम होगा फोर्टी फाइव पे मैक्सिमम मिलेगा बाय बिकॉज साइन फोर्ट साइन फोर्टी फाइव डालोगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा साइन नाइन्टी हो जाएगा एंड आर इज मैक्सिमम एंड साइन इज नाइनटीटी ये सब हम लोगों ने कल देख लिया था कल सारा डेटा निकाल चुके सिर्फ उसको एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं ठीक है सो so बेसिकली आर क्या हो रहा है बेटा आर शुरू में देखो क्या हुआ आर जब तुमने पंद्रह था तो कुछ आर था तुमने बढ़ाया आर बढ़ा और बढ़ाया आर और बढ़ा फिर क्या हुआ तुमने बढ़ाया घटा और बढ़ाया और घटा इसका मतलब सर जब थीटा और तुमको और इस बात का प्रूफ हमको क्या देता है ये 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 ग्राफ बेटा। ये ग्राफ बेटा से हम लोग का एक्चुअली काम यहीं पर खत्म हो जाता है जब तुम थीटा से पाई बाई फोर तक जा रहे हो देखो तो थीटा से पाई बाई फोर के बीच में ग्राफ कैसा है कुछ इस तरीके का रेंज यही है बेटा हम लोग का डोमेन यही है जीरो से पाई बाई टू फिलहाल साइन टू जो डोमेन पूरा आर रियल नंबर है बट प्रोजेक्टाइल uh, के लिए हम यहां से यही तो फेंकेंगे यार उल्टा थोड़े फेंक दोगे तुम बोलो

तो क्या होता है बॉल का मोशन कैसा होता है बेटा एक टाइम तुम थोड़े से हाइट पर फेंकते हो कम थोड़ा ऊंचा करते हो थोड़ा ज्यादा ज्यादाटल रेंज आता थोड़ा और ऊंचा करते हो यानी फोर्टी पे आ जाते हो तो मैक्सिमम रेंज कवर करते हो फिर तुम सोचते हो कि अच्छा मैं ऊंचा करो तो बढ़ता जा रहा फिर और ऊंचा कर देता हूं जैसे ही ऊंचा करते हो देख तो कम हो गया और ऊंचा करते, करते, करते हो और कम हो जाता है ये खपत कहां पर हो जा रहा है बेटा ये जो तुम ऊंचा ऊंचा करो ना ये हाइट ले जा रहा है उसको सारी एनर्जी कौन लेकर जा रहा है हाइट अब तुम ऐसे फेंकोगे तो एनर्जी कम लगेगी ऑब्वियस ही बात है कभी बॉल वॉल फेंको कैच कैच खेलोगे राइट right? अगर हम लोग छोटा हल्का से ऐसे बॉल फेंक देते तो कम एनर्जी लगती इफ आई थ्रो द बॉल थोड़ा सा ऊपर एनर्जी बढ़ जाती है सो वी आर इंक्रीजिंग द एनर्जी बेसिकली एनर्जी कैसे हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं हम लोग एंगल चेंज कर करके कर सो मेहनत ज्यादा कर so, रहे हैं हम लोग रेंज ज्यादा अपने आप ऑटोमेटिकली बढ़ता जा रहा है एंड ऐसा हो रहा है कि रेंज बढ़ेगा 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 फिर घटेगा 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 फिर मिनिमम हो जाएगा राइट सो दिस इज वॉट दिस इज द होल मैकेनिज्म और दिस इज वॉट हैपन इन प्रोजेक्टाइल मोशन मेन यू चेंजेस द एंगल दिस इज वॉट हैपन्स विद द रेंज क्या रेंज समझ में आया ठीक है क्या समझ में आई बात है फिर से एक बार सुन लो पूरे अच्छे से रेंज का वेरिएशन देखना था रेंज सर वेरी करता थीटा के प्रोपोर्शन में साइन थीटा का प्रोपोर्शन हम लोग पता कैसे वेरी करता जीरो के बीच में इस तरीके का साइन टू थीटा हम लोग ने अभी जस्ट निकाल के देख लिया बेसिक मैथमेटिक्स में कवर्ड है फिर भी हम लोग ने देख लिया साइन टू थीटा कैसे वेरी करेगा बेटा जीरो से पाई बाई टू पाई पे आकर जो ये टू पाई था वो पाई हो गया जो पाई था पाई बाई टू हो गया जो पाई बाई टू था पाई बाई फोर हो गया टू से डिवाइड होता जा रहा है ठीक है पीरियड क्या होता है एक्चुअली जो भी तुम यहां पर को कॉन्स्टेंट होगा ना ए बी सी डी एफ उससे डिवाइड कर देना उसके पीरियड को जो भी टर्म होगा जैसे साइन टू थीटा का पीरियड टू पाई था यहां टू लिख दिया तो टू से डिवाइड कर दिया पाई होगी सो so, अब हम लोग को कर्व मिल चुका है साइन थीटा कर्व मिल चुका साइन टू थीटा का एंड आर इज वेरिंग अकॉर्डिंगली टू साइन टू थीटा तो जैसे जैसे साइन टू थीटा बढ़ेगा बेटा आर बढ़ेगा जैसे साइन टू थीटा घटेगा आर घटेगा हमारे पास डोमेन के हम लोग प्रोजेक्टाइल या तो जीरो पे फेंक देंगे या तो नाइनटी पे फेंक देंगे इतना ही रेंज है तुम इससे ज्यादा ऐसे तो नहीं फेंक दोगे बॉल उल्टा के फील्डर को मतलब जाओ भाई सिक्स हो जाएगा फोर हो जाएगा ऐसा नहीं करोगे ना आगे ही फेंकोगे हमेशा सो so, आगे फेंकने के चक्कर में तुम्हारे पास लिमिटेड है जीरो से पाई बाई टू का गेम पाई बाई टू से जीरो से पाई बाईर में हम लोग देख रहे हैं इट्स इंक्रीजे एंड पाई बाई फोर से पाई बाई टू के बीच में क्या, रहा, तू तू थीटा, so, क्या हो रहा है साइन टू थी डिक्रीजिंग सो रेंज क्या होगा रेंज इनिशियली इंक्रीज होगा जीरो से पाई बाई फोर में एंड देन पाई बाई फोर से पाई बाई टू के बीच में रेंज डिक्रीज होने लग जाएगा क्या कहानी समझ में आई पूरी क्या पूरी कहानी समझ में आई अगेन फिर से बोल बोलो इस बात को लिख लो रेंज जीरो से पाई बाई फोर में बढ़ा पाई बाई फोर में मैक्सिमम एंड पाई बाई फोर से पाई बाई टू में फिर घटा ठीक है एंड यहां पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में क्या हो जाता है थीटा और नाइनटी माइनस थीटा में वो क्या हो जाएगा बेटा वो सेम हो जाता है ये चीज हम लोगों ने कल ही डिराइव कर ली थी ठीक है दिस इज वॉट हैपन वेन यू वेन यू वेरी थीटा वेन यू वेरी द एंगल ऑफ विथ विच आर थ्रोइंग ज वट हैेंज ठीक है हॉरिजॉन्टल रेंज अब बात करेंगे हाइट की इसको जल्दी से कर लो कॉपी हम लोग हाइट देखते हैं ठीक है ओके सो हम लोगों ने अभी तक रेंज का वेरिएशन देख लिया थीटा के साथ नाउ इट्स टाइम टू लुक एट द हाइट हाइट के साथ क्या हो रहा अगेन बेटा मैथ्स की तरफ चलो व्हाट इज एच यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी ना वट इज यू यू एंड टू जी बोथ आर कॉन्स्टेंट यहां पर अभी सब कुछ कॉन्स्टेंट है वेरी क्या कर रहा theta. So, theta vary है थीटा सो थीटा वेरी करेगा तो साइन थीटा भी ऑब्वियसली वेरी करेगा सो एच इज प्रोपोर्शनल टू

ये हो जाता था राइट यहां पर ग्राफ नीचे हो जाता था ये ग्राफ बस उल्टा मिरर इमेज बन गया कैसा मिरर इमेज क्यों क्योंकि स्क्वायर हो जाता है जब भी ये बात याद रखना जब भी ग्राफ में स्क्वायर आ जाता है तो ग्राफ मतलब मैथमेटिकल टर्म में स्क्वायर हो जाता है तो ग्राफ सिमेट्रिक हो जाती है ये मैथ्स में बहुत हेल्प करेगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो मैंने अभी तुम्हें बता दिया ये मैथ्स में तुम्हारा बहुत हेल्प करेगा इस बात ठीक है सुन लो जब स्क्वायर वाला टर्म्स आ जाता है ग्राफ में वेरिएबल में तो ग्राफ सिमेट्रिक हो जाती है तो ग्राफ क्या क्यों सिमेट्रिक हो गई सिमेट्रिक होकर के ऊपर चली गई अभी सिमेट्रिक होकर ऊपर चली गई तो इसका फिजिकल मतलब क्या हो? कि नेगेटिव वाला जितना ही पोर्शन था वो खत्म हो गया यानी कि थीटा का जो वेरिएशन था अब वो पोश्टिव, 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 अब वो सिर्फ पॉजिटिव 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 ठीक है एक बात बताओ हमें कितना हमें किसके किसके बीच में देखना जीरो से पाई बाई टू हमारा तो इतना ही रेंज है बेटा यहां से यहां तक फेंक सकते हैं हम लोग या तो एकदम सीधा फेंक दोगे या सीधा गुड़का दोगे या इसके बीच में कहीं ऐसे से फेंकोगे राइट तुम बॉल इसी तरीके से फेंक सकते हो हमारे पास ऑप्शन क्या है जीरो से पाई बाई टू का रेंज हम लोग कितना चेक करना सिर्फ जीरो से पाई बाई टू का सीन ठीक है ना जीरो से पाई बाई टू के बीच में अगर तुम ग्राफ हो इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इस ग्राफ को देखो दिस इज अ ग्राफ दिस इज योर पाई बाई टू दिस इज योर पाई बाई टू एंड दिस इज जीरो एंड दिस इज साइन स्क्वायर थीटा What is happening between zero से देखो तो तुम जितना, जितना थीटा बढ़ा रहे हो, उतना ही थीटा बढ़ा। जैसे जैसे बढ़ते क्या हो गया हो जाएगा अगर ये रहा बेटा तो यहां से हम, हम लोग ये कह सकते हैं कि सर एच जो है हमारा ये भी बढ़ रहा है जीरो से पाई बाई टू में जैसे जैसे तुम थीटा बढ़ा रहे हो एच भी बढ़ रहा यानी कि तुम जितना ऊंचा फेंक सकते हो तुम उतना ज्यादा हाइट मिलेगा और ये बात सच भी है तुम कभी बॉल को लो तुम एंगल ऐसे फेंको ऐसे फेंको ऐसे फेंको कि सबसे ऊंचा कब जाएगा जब तुम सेमस से एकदम सीधा फेंक दो एकदम ऐसे ही उछाल दो दैट इज गोइंग टू बी योर मैक्सिमम हाइट ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है सो so, हाइट का फंडा तो हम लोग को बिना देखे विजुलाइज मतलब ये तो एकदम ऐसी चीज है कि हम लोग रोज करते आ रहे हैं सो दिस समथिंग की तुम क्रिकेट खेलते हो तुम बॉल को जितना ऊंचा उछालोगे उछालोग जितना हाइट पर फेंकोगे जितना एंगल बना के ऑरिजोनटल से फेंकोगे उतना ऊंचा हो जाएगा प्रॉब्लम का सिर्फ रेंज को समझना था हाइट तो बहुत ईजी था रेंज में क्या हो रहा था बढ़ा घटा बड़ा घटा बड़ा घटा बड़ा घटा ठीक है बढ़ा छोटे से बढ़ता 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 मैक्सिमम 45 घटना चालू मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम क्या समझ में आ रही कहानी एंड हाइट क्या मैक्सिमम मैक्सिमम ठीक है दिस इज हाउ हाइट एंड रेंज वैरिज विथ थीटा अब ये क्यों दिखाया गया सर क्या एग्जाम में एग्जाम में देखो कुछ भी पूछ सकता फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स जेई इन नीट वो लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम बना रहे हैं ये चीज इसीलिए दिखाया कि तुम्हें मोशन समझ में मैंने तुम्हें तुम्हें दिखनी चाहिए चीजें अगर तुम्हें चीजें दिखने लग गई ना तो, तो क्वेश्चन बनाने इज वेरी सिंपल ठीक है दिखेंगी तभी तो अप्लाई करोगे वरना तुम बुक के फॉर्मूले को अगर रट के चले गए तो कुछ भी थोड़ा सा वेरिएशन कर देगा ना ट्रस्ट में ये होता है मेरे साथ भी हुआ पहले हम लोग क्या करते चीजें रट लेते थे थोड़ा सा वेरिएशन होता था ना हवा गुल ठीक है फिर वहां पर बैठ करके ये सोचते थे कि हमने ये हम ये कहां से आ आगे आउट ऑफ सिलेबस बहुत बता देता घर पर आकर दैट इज नॉट आउट ऑफ सिलेबस तुम सिर्फ चीज़ों को पढ़ने का तरीका बदल लो तुम चीज़ों को देखने लग जाओ तुम्हारे साथ तुम्हारे साथ चीज़ें ईजी हो जाएंगी ठीक है फिजिक्स देखने की चीज़ है इट्स ऑल अबाउट इसीलिए देखो मैंने मैंने मैंने, मैंने जब इंजीनियरिंग करी तो मैंने मैकेनिकल चूज़ किया था वाई आई हैड ऑल द ऑप्शन ओपन बट आई चोज मैकेनिकल बिकॉज मैकेनिकल में चीजें दिख रही थी ऑनेस्ट वेरी ऑनेस्टली आई डोंट नो वाई कंप्यूटर साइंस मतलब ठीक है इट्स अ वेरी गुड ब्रांच इट इज़ अ हाईली पेएबल ब्रांच मतलब पैसे सबसे ज्यादा उसमें मिलते हैं यू कैनॉट सी थिंग्स म गोज फॉर अदर ब्रांचेस सिविल मैकेज इतना मजदार है कि इसमें तुम देख रहे हो तुम तुम छू रहो टच कर रहे हो तुम फील कर रहे हो तुम घूमते देख रहे हो चीजों को गाड़ी को थर्मल पावर प्लांट्स में तुम देख रहे हो किस तरीके से चीजें वर्क कर रही है यू कैनॉट वॉच ऑल दिस थिंग सो दिस इज द जॉय ऑफ मैके हम लोग मैकेनिक्स पढ़े तो उसका फायदा लेंगे ना यार ओके सो दिस इज दिस वॉज वन ऑफ द टॉपिक जो हम लोग को आज कवर करना था नाव वी आर गोइंग टू डू समुड क्वेश्चन जो हम लोगों ने कल नहीं देखे थे या फिर हम लोग कल एक्चुअली कल हम लोग बेसिक समझने में ही टाइम लगा दिया था एंड वो जरूरी भी था अगर बेसिक नहीं समझते तो आज हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे सो so, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चंस इसको जल्दी से नोट कर लो चलते क्वेश्चन की तरफ राइट गायर इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ अस पहला क्वेश्चन और सबसे ईजी क्वेश्चन आज का क्या है ईजी तो क्या यार बहुत ही बेसिक है अगर तुमको मेकेनिजम आता है तुम्हें फॉर्मूला पता है तो तुम उड़ा दोगे ठीक है सो द क्वेश्चन इज अ बॉल इज थ्रोन विद वेलोसिटी देखो एक बॉल को तुमने फेंका फिफ्टी मीटर पर सेकंड की स्पीड से राइट एंड कितना एंगल पे फेंका 37 डिग्री right? से राइट थर्टी सेवन डिग्री की हाइट पे हॉरिजॉन्टल से फेंका तुमने बॉल को 50 मीटर पर सेकंड पे तुमको जितना डेटा देना चाहिए था उतना दे दिया गया ठीक है मोर देन सफिशियंट डेटा है इससे इससे ज्यादा देने की जरूरत नहीं है तुम्हें राइट नाउ यू हैव टू फाइंड सबसे पहला टाइम ऑफ फ्लाइट सेकेंड रेंज मैक्सिमम हाइट थर्ड इज रेंज एंड फोर्थ इज विलोसिटी आफ्टर थ्री सेकेंड्स तीन सेकेंड के बाद विलॉसिटी का पिक्चर क्या होगा बॉल का वो बताना ठीक है सो इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन वीडियो को पॉज करो और प्लीज अटेम्प्ट करो आई डोंट थिंक कि आपको जरा भी मेहनत लगने वाला राइट आई थिंक मोर मैक्सिमम टू टू थ्री मिनट्स लगेगा सारा टाइम नहीं लगेगा तो क्वेश्चन इज वेरी इजी एंड इट इज फॉर्मुला बेस्ड एक्चुअली फॉर्मुला बेस्ड है बट मैं 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 ये चाहता हूं तुमसे सुन लो इस बात को प्लीज मेक द ड्राॅइंग्स कल भी मैंने बोला था बिना ड्रॉइंग किए गेम मत खेलना ठीक है फर्स्ट ऑफ ऑल मेक ए प्रोजेक्टाइल देखो उसको विजुअलाइज करके कैसा दिख रहा हो उसका व्यू दिखाओ उसका एंगल दिखाओ एंड फिर उसका काम स्टार्ट करो एंड उसके बाद क्या करो एक्स और वाई एक्सिस में क्या क्या डेटा गिवन है या क्या क्या हमें पता है वो चीज को लिख डालो ऑलवेज डू दिस चाहे कितना इजी हो चाहे कितना टफ क्वेश्चन हो जरूर बनेगा डेटा देखो एंड देन स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन ठीक है अब तुमको ये नहीं कि तुम डेरिवेशन करने बैठ जाओ इसका ये मतलब नहीं कि तुम डेरिवेशन करो टाइम ऑफ फ्लाइट का फिर बनाएंगे मैक्स कार में ये सब नहीं करने तुमसे कहा गया तुम्हें सिर्फ निकालना लेकिन तुम्हें विजुअलाइजेशन आने तुम्हें दिखना चाहिए कि तुम किस चीज से खेल रहे हो राइट

ये बॉल है बेटा कितने से फेंका अपन ने फिफ्टी मीटर पर सेकेंड से कितने एंगल पे फेंका बेटा थर्टी सेवन डिग्री पे वेरी नाइस nice. कुछ इस तरीके का मोशन करके चला गया दिस इज आवर एच एंड दिस इज आवर आर राइट कोई दिक्कत नहीं आता चलो नाउ राइट डाउन द डेटा डेटा इज एवरीथिंग इट्स एवरीथिंग लिटरली

ई और टी इज हाउ यू गेट टाइम ऑफ एसेंट एंड टू इंटू टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम टाइम ऑफ एसेंट डिसेंट हमें पता बराबर होता कल हम ने देख लिया था। यू साइन जीटा हमने निकाल दिया थर्टी टू इन टू थर्टी बाय टेन कितना हो जाएगा ये सिक्स सिक्स सेकेंड सो सिक्स सेकेंड इज द टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर आवर क्वेश्चन चलिए लेट्स फाइंड आउट एच मैक्स वट इज हाइट मैक्सिमम हाइट बेटा यू स्क्वा वेरी सिंपल इज थीटा बेटा हम लोगों ने पता कर लिया था थर्टी सो थर्टी का स्क्वायर इज नाइन हंड्रेड डिवाइडेड बाई ट्वेंटी राइट सो दिस इज फोर्टी फाइव मीटर्स तो बेटा मैक्सिमम हाइट कितना अचीव करने वाला बॉडी फोर्टी फाइव मीटर्स कैसे पता सर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी टू इंटू जी मतलब ट्वेंटी ऊपर में यू साइन थीटा यू साइन थीटा कितना हमने निकाल लिया था थर्टी थर्टी का स्क्वायर इज नाइन हंड्रेड नाइन हंड्रेड बाई ट्वेंटी फोर्टी फाइव मीटर तो हमने एच भी निकाल दिया वट अबाउट सर आर रेंज कितना आएगा बेटा? Range का है फॉर्मुला यू स्क्वायर साइन टू थीटापॉन जी बस में पुट करो सो वट इज यू स्क्वायर साइन टू थीटा नो साइन टू थीटा में सर थर्टी सेवन इंटू टू इज सेवेंटी फोर हमें सेवेंटी फोर का वैल्यू नहीं पता अब क्या करेंगे ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे यार बड़े सिंपल है साइन टू थीटा को क्या लिख सकते हैं टू साइन थी थीटा सबको बताइए बात राइट सो टू इंटू यू स्क्टा कॉस्टा बाई जी कोई दिक्कत नहीं यहां तक वट इज बेटा यू स्क्वायर एक बार यू साइन थीटा और एक बार यू को... देखो यू स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं मैं यू साइन थीटा एंड यू थीटा अलग अलग कर दिया कोई दिक्कत नहीं है यू स्क्वायर था अलग अलग कर दिया वट इज यू साइन थीटा

ऑलवेज मेक द डायग्राम इन फिजिक्स जहां पर पॉसिबल है एंड ऑलवेज राइट डाउन द डेटा दैट इज गिवेन टू दैट इज प्रोवाइडेड टू यू उसके बाद ही काम शुरू करो मे बी डेटा यूजफुल हो मे बी नहीं हो बट ऑलवेज राइट डाउन द डेटा क्या पता यूजर्स है ठीक है कभी ना कभी वो लोग इतना बेवकूफ नहीं कि तुमको बिना मतलब का वेस्ट करने को देगा कुछ दे आर वेरी 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 क्लेवर बीट जेई बीट नीट ठीक है उन लोग सबको पता कि वो लोग क्या कर रहे हैं राइट सो यू हैव टू बी वेरी क्लेवर यू हैव टू बी वेरी डिसिप्लिन अपने काम में राइट एंड देन यू ओनली यू कैन प्रोसीड फॉरवर्ड एंड फाइंड द आंसर एंसर वाइंड करना बड़ी चीज थोड़ी थी इतने में हो गया ठीक है मेन चीज थी कि हम लोग को समझना था पिक्चर में हो क्या रहा ठीक है एंड यह क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा मतलब ये अगर अगर ऐसे सिर्फ कोई देखे तो एक बार डर जाएगा सर वेलॉसिटी आफ्टर तीन सेकेंड क्या करेंगे तो बहुत सारा डेटा निकालने बैठ जाओगे क्या करें कैसे करें ठीक है ऐसा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर नहीं होगा तब भी देखेंगे क्या होगा ठीक है कोई टेंशन नहीं लेने का बट फिलहाल इतना इजी क्वेश्चन था देख के जो डर जाता है वो मार्क्स लूज कर जाता है ठीक है आई होप आप सब ने बना लिया होगा बहुत इजी क्वेश्चन था सब ने बनाया होगा जिनसे नहीं बना कोई दिक्कत नहीं है तुमने सीखा होगा प्लीज़ नोट करते चलो एंड घर पे जब क्लास खत्म हो जाए रात को दिन को जब भी तुम देखते हो लेटर इन द नाइट और लेटर इन द और अर्ली इन द मॉर्निंग तुम्हें एक बार इसको करना कि तुम क्वेश्चन सिर्फ सॉल्व करने की कोशिश करना है सोल्यूशन दे बिना ज़रूर फायदा मिलेगा राइट सो इसको कर लो नोट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ

सो दिस इज अ बिट ऑफ रिवर्स इंजीनियरिंग क्वेश्चन ठीक है ना इनिशियली क्या दिया हुआ कि बॉडी को थ्रो किया था तुमने टेन मीटर पर सेकंड की स्पीड से एंड एट द एंगल ऑफ डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल राइट सो अभी क्या होगा वो बॉडी का ऐसे ऐसे जाते 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 जाते, जाते तो ऐसे कुछ आएगी राइट right? कुछ ऐसे ऐसे जाते जाते, जाते आएगी एंगल कम होता जाएगा उसका ये चीज हम लोग ने देखी है बेटा कैसे होता देखो प्रोजेक्टाइल सबको याद है मैकेनिज्म इसीलिए मैं कहता हूं डायग्राम एंड मैकेनिज्म मैटर्स जो लोग नहीं जानते वो सोचते रहेंगे ये हो क्या रहा सो यू थ्रो द बॉल लाइक दिस और वो इस तरीके से कुछ चली गई राइट right? तो अभी बेटा सीन क्या है अंदर में ठीक दिस इज योर मैक्सिम हाइट दिस इज द पॉइंट वेर यू थ्रो द बॉल एंड वी थ्रो द बॉल विथ टेन मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ सिक्स डिग्री राइट सिक्सटी डिग्री से फेंका तुमने डिग्री से फेंक दिया राइट right?

तो बेटा अभी सीन ऐसा ना कि जैसे जैसे तुम जैसे जैसे टेन साइन थीटा जो है जो तुम्हारा वर्टिकल डायरेक्शन उसका वेलोसिटी गिरेगा उसका वेलोसिटी गिरेगा तो देखो ये उसका रिजल्टेंट है ठीक है चीज को समझो बनाना क्वेश्चन बनाना इज वेरी इजी बट मैं चाहता हूं कि तुम लोग चीजों को समझो देखो कुछ टाइम के बाद जब बॉल हवा में इस तरीके से होगा तब इसका ये कॉम्पोनेंट तो ठीक है बट ये ओवरऑल जो वेलोसिटी है वो कम हो चुकी है क्यों क्योंकि ये कॉम्पोनेंट गिर चुका है ठीक है एंड दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ ना दिस इज वी वाई एंड दिस इज वी एक्स वी क्या है वी इज द रिजल्टेंट ऑफ वी एक्स एंड ऑल्सो दिस इज कॉन्स्टेंट ये कम हो गया ना बेटा ये तो कम हो गया दिस पोर्शन इज डिक्रीज एंड उसकी वजह से वीक पूरा का पूरा गिर जाएगा तो तुम्हें समझ में आ रहा है ये गिरता जाएगा और ये गिर क्यों रहा है क्योंकि ये कम हो रहा है ये कम हो रहा है तो एंगल ओवरऑल जो एंगल है वो भी कम हो रहा है तो कुछ टाइम के बाद जो सिचुएशन होगा बेटा उसका पिक्चर दिखा देता हूं तुम्हें पिक्चर देख लो लेट्स से बॉल यहां पर अभी बॉल का सिचुएशन नहीं है कि बॉल के पास कुछ वेलोसिटी है वी ठीक है लेट्स से जो एंगल है अब क्वेश्चन में तुमको एंगल दे दिया एंगल इज थर्टी डिग्री राइट तो पूछो जब ये थर्टी डिग्री होगा तब कितना टाइम हो चुका होगा तुम्हें टाइम निकालना तो टाइम तो तब निकालेंगे सर जब हमें वेलोसिटी का इंफॉर्मेशन होगा बिकॉज और कुछ तो यहां दिया नहीं है ना हाइट दिया ना रेंज दिया ना कुछ और दिया

वो बन जाएगा हो सकता है तुमने बना भी लि अब तक ठीक है बट हाउ टू अप्रोच अ क्वेश्चन मैटर्स राइट सो हमारा काम था यहां करना अब हमारे साथ हमारे हमसे जो पूछा वो हम लोग करेंगे हम लोग को टाइम निकालना जब ये हो जाए टाइम निकालने के लिए हमें सबसे एक ही कॉम्पोनेंट दिख रहा है वेलोसिटी जिसको हम लोग रिलेट कर सकते हैं वी हैव टू ग्रेजुअली और इवेंचुअली वी हैव टू फाइंड द वेलोसिटी वेक्टर राइट सो वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे दिमाग लगाओ जरा सोचो इस बात को पॉज करके इतना डेटा तुम्हारे पास है हाउ विल यू फाइंड द वेलोसिटी वेक्टर क्या कर सकते हो क्या-क्या होता है ये बताओ क्या हमें पता x एक्सिस का वेलोसिटी ऑलवेज कांस्टेंट रहता है वेरी गुड तो बेटा जो यहां पर है क्या यहां पर बदल जाएगा वो सर ये कभी नहीं बदलेगा इसको जिंदगी में आप जब भी आप प्रोजेक्टाइल जब तक चलेगा ना और जब तक एक्सटर्नल डिस्टरबेंस नहीं है तब तक ये अपनी वैल्यू चेंज नहीं करेगा एकदम पक्का है ये वादेगा इट इज फिक्स्ड सो 10 cos इज योर फिक्स्ड डाटा अच्छा अगर ये टेन कॉ सिक्सटी है ये थर्टी डिग्री है ये ट्राइंगल को अगर मैं जरा सा इस ट्राइंगल को इस रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर को मैं थोड़ा बड़ा करके देखता हूं तो देखो कैसा दिखता दिस इज वी दिस इज थर्टी डिग्री ये कुछ कॉम्पोनेंट है लेट्स इसको अभी हम लोग दे देते हैं नाम जिसका वैल्यू पांच तो सीधा पांच ही लिखता हूं ठीक है क्योंकि हमको इसका वैल्यू पता है पांच है हमने सॉल्व कर लिया टेन को सिक्सटी फाइव तो हम लोग पांच लिखते हैं दिस इज वी वाई जो अननोन है दिस इज वी अननोन है ये पता बेसिक ट्रिग्नोमेट्री लगाओ सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री देखो तो एंगल के साथ वाला जो होता है वो क्या होता है कॉस कॉम्पोनेट वी so, कॉस थर्टी टू फाइव में बोल सकता हूं बिकॉज दिस इज ऑलवेज ये वैरी कर रहा कराने दो ये वैरी करके दौड़ेगा कहां तक चूहे की दौड़ बिल तक ही तो होगी यार उसके बाद कहां जाएगा सो so, वी वैरी करेगा बट ये जो हॉर्जोंटल कॉम्पोनेंट यह बोलेगा बेटा तुम हमसे नहीं उड़ सकते हम तो कॉन्स्टेंट तुम बदलो तुम्हें जैसे बनो बदलो बट तुमको कुल मिला करके यहां तो आना ही पड़ेगा ये तुम्हारा बिल है तुमको इसमें घुसना ही सो so, ये घुस गुछ गया घुसेगा तो बेटा v cos 30 कितना था sin 60 √3/2 सो व्हाट हैपेंस टू v so, v बन जाता है 10/ √3 दिस इज योर वेलोसिटी ये कौन सा वेलोसिटी है भाई मैंने ये नेट वेलोसिटी है नेट वेलोसिटी कब जब 30 डिग्री एंगल हो रहा होगा प्रोजेक्टाइल का 60 से थर्टी में कन्वर्ट हो चुका मतलब जब थर्टी डिग्री बना रहा वो हॉरिजॉन्टल से तब नो अगर ये मिल गया तो क्या हमें वीवाई भी मिल जाएगा बेटा वी क्या हो जाएगा साइन? साइन का थर्टी 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 बेटा थर्टी फाइव बाई रूट थ्री दिस इज अवर वी वाई कॉम्पोनेट ना अब देखो क्योंकि एक्स में तो कुछ वेरिएशन हो नहीं रहा हम हमें अल्टीमेटली क्या चाहिए था टाइम ठीक है हमने वेलोसिटी के साथ खेल लिया

हम लोग सिर्फ ट्राइजेक्ट्री के बारे में सीखेंगे वट इज अगेन लोकस ऑफ द पाथ पाथ जो path कर रहा है उसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं दैट इज कोई बड़ी चीज नहीं है लोकस वोकस सुन करके बचपन में डर लगता है इलेवन ट्व में क्योंकि हो जब मैथ्स पढ़ लो के कॉर्डिनेट जोमेट्री तो लगेगा ये मजाक हो रहा फिलहाल बात करते हैं इसकी सो so, अब हमारे पास जो डेटा अवेलेबल है दैट इज वी वाई वीवाई चेंज हो रहा सर वी वाई चेंज हो रहा देखो एंड बिकॉज वीवाई चेंज हो रहा है तो एक बात तो नक्की है कि वीवाई हम लोग को कहीं कही ना कहीं टाइम तक पहुंचाएगा कैसे पहुंचाएगा सर इक्वेशन क्योंकि कामेटिकेशन इज कॉन्स्टेंट बीवाई टी राइट सो वट इज वीवाई बेटा फाइव बाई रूट थ्री क्या डायरेक्शन अभी भी पॉजिटिव है ऊपर की तरफ है बिल्कुल ऊपर की तरफ है दिस इज फाइव रूट थ्री एंड ये कितना हो जाएगा बेटा माइनस टेन टी ठीक है अब क्या मैथमेटिक्स है फाइव बाई रूट थ्री इसको तुम घर पे आराम से सॉल्व कर सकते हो ठीक है इसको उधर ले आओगे तो कितना हो जाएगा ये देखो फाइव रूट थ्री माइनस फाइव बाई रूट थ्री इज इक्स टू टेंट राइट सो इसको एलसीएम ले लोगे तो क्या बन जाएगा ये रूट थ्री रूट थ्री थ्री टाइम हो जाएगा तो फाइव इंटू थ्री फिफ्टीन फिफ्टीन माइनस फाइव इच इज टेन तो टेन बाई रूट थ्री क्स टू टेन टी राइट सो वट इज अ टाइम वन बाई रूट थ्री एंसर लो आगे सॉल्व भी कर दिया ठीक है बहुत ईजी था कुछ ऐसा नहीं था सिर्फ रूट रूट देख करके डर लग रहा था बट आंसर फाइनली बहुत ही सिंपल आ गया ठीक है रूट में आया बट सिंपल था ठीक है बेसिकली हुआ कि हमने सॉल्व सॉल्व कर दिया इसको इधर भेज दिया इसको इधर भेज दिया सो इट बिकम्स फाइव बाई फाइव रूट थ्री माइनस फाइव बाई रूट थ्री और इधर आ गया टेन टी ना रूट थ्री का रूट थ्री एलसीएम ले लिया तो रूट थ्री इज एल्सियम सो रूट थ्री से रूट थ्री को मल्टीप्लाई किया इट बिकम्स फाइव इंटू थ्री सॉरी फिफ्टीन ये यह देखो यहाँ ऐसे ही काम होता है ऐसे ही जैसे मैं तुम लोग को बता रहा हूँ ऐसी गलती टीचर ही कर जाती फिफ्टीन बाई रूट थ्री इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं बेटा फिफ्टीन बाई रूट थ्री हो जाएगा ये कितना हो जाएगा वन पॉइंट फाइव बाई रूट थ्री राइट या फिर इसको हम लोग तोड़ करके लिख सकते फाइव थ्री जा एंड टू जन रूट थ्री बाई थ्री थ्री बाई रूट थ्री इज रूट थ्री सो रूट थ्री बाई टू टी क्वेश्चन रूट थ्री बाई टू सॉरी दिस इज़ आवर फाइनल आंसर राइट तो प्लीज़ ऐसी गड़बड़ी आप ना करें क्योंकि मैं अफोर्ड कर सकता हूँ बट आप नहीं और ये मैथमेटिकल एरर्स बहुत ज़्यादा होते हैं ठीक है अक्सर हम लोग कर देते हैं प्लीज डोंट डू दिस और कर भी देते हो तो देखो हमेशा अपने आंसर्स को चेक करना कितना ज़रूरी है अभी मैंने चेक किया आई फाइंड आउट द आंसर राइट तो ठीक है गलतियां होती है गलती वी आर ह्यूमन्स वी आर ऑफन यू अलाउ टू डू मिस्टेक बट ऐसा मिस्टेक नहीं करो कि तुम्हारा एग्जाम कॉस्ट कर जाए सो so, प्लीज री तो ये तो मैथ्स है यार छोड़ो क्या बातें कर रहे हैं मैथ्स इज इजी मैथ्स को तुम कर सकते हो आई ट्रस्ट इन यू ठीक है इतना ट्रस्ट मैं करता हूं तुम वॉट वॉज इम्पोर्टेंट इसकी इस क्वेश्चन में फिजिक्स क्या था फिजिक्स ये था सर कि हमने बॉल को थ्रो किया हमें पता कि एंगल गिरता है क्यों गिरता है ये भी हमने देख लिया गिरे 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 गिरेगा गिरे फिर बढ़ेगा बड़े बड़े बढ़ेगा कैसे बढ़ेगा उल्टे डायरेक्शन ठीक है अभी एंटी क्लॉकवाइज ऐसे था घटा 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 फिर क्लॉकवाइज बढ़ेगा ठीक है ये सब चीज़ें हमने लोगों मैकेनिज्म में देख लिया और आज फिर समझ लिया अभी कैसा क्यों होता है सर ठीक है अभी हम लोग ने समझा क्योंकि वेलोसिटी का कॉम्पोनेंट गिर रहा है सो ओवरऑल इफ दिस कॉम्पोनेंट इज डिक्रीजिंग सो इट हैज टू डिक्रीज सो इन ऑर्डर टू मेंटेन द बैलेंस ठीक है तो इसीलिए एंगल भी डिक्रीज होता जाता है एंगल डिक्रीज होते, होते 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 बोला कि जब ये सिक्सटी से थर्टी हो गया तब का टाइम कितना हुआ सो so, हम लोग ने क्या किया बेसिकली इनिशियल डेटा लिख डाला हमें पता था कि ये कॉम्पोनेंट चेंज नहीं होगा चाहे कहीं भी हो तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा एक चीज फायदा करता है कि कॉम्पोनेट ऑफ एक्स इज ने चेंजिंग तो हमने बस उसका फायदा उठाया और इसको इक्वेट कर दिया यहाँ से वीवाई वी निकल गया वी निकल गया तो वीवाई निकाल दिया बड़ा आराम से और वीवाई निकल गया तो एस क्वेश्चन एंड क्वेश्चन उड़ा दिया ठीक है थोड़ा सा टफ था क्वेश्चन टफ क्या था इट वॉज बिट ट्रिकी तुमको दिमाग यूज करना पड़ता ठीक है बट नॉट दैट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ठीक है अब तुमसे जिनसे नहीं बना हो सकता बहुत लोगों से नहीं बना हो, कोई दिक्कत नहीं तुमने अप्रोच सीखा तुमने अप्रोच सीखा तुमने एप्लीकेशन सीखा, सीखा तुमने फिजिक्स सीखा सीखना जरूरी है एप्लीकेशन अपने आप आएगा योर जॉब इज टू प्रैक्टिस अब तुम्हारा जॉब है प्रैक्टिस करना ये नहीं आता था गलत कोई बात नहीं है बहुत लोगों को नहीं आ सकता बहुत लोगों को आ भी सकता

कि तुम कितने एंगल पे एक बॉल को थ्रो करते हो डज नॉट मैटर किस वेलोसिटी से थ्रो कर रहे हो, you, जो रेंज है वो तुम्हारे मैक्सिमम हाइट का दुगुना हो जाए राइट सो योर रेंज शुड बी ट्वाइस ऑफ योर मैक्सिमम हाइट सबसे पहला काम तो तुम पॉज करके क्वेश्चन करो ठीक है मैं लगा था कि सर डायग्राम बनेंगे नहीं सबसे पहला काम है तुम पॉज करके क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे अगर तुमने अटेम्प्ट कर लिया तब हम लोग चलेंगे सबसे पर, दूसरे काम की इज़ डायग्राम तो लेट से दिस इज आवर प्रोजेक्टाइल ये तुमने बॉल है उठा करके तुमने फेंक दिया लेट्स से हमने बॉल को फेंका यू से एंड एंगल कितना था थीटा अभी क्वेश्चन क्या बेटा ये जो तुम्हारा एच आता है एंड ये जो तुम्हारा आर आता है योर आर शुड ये होना चाहिए राइट right? तो देखो बेटा क्वेश्चन में क्या है अब तुमको बिल्कुल बेसिक सा सवाल है क्वेश्चन में कुछ भी दिक्कत नहीं है अगर तुम्हें फॉर्मुलेस पता है तो तुम तुरंत उड़ा दोगे ठीक है तो इसको सॉल्व करने का दो तरीका है पहला तरीका जो आई थिंक कि मैक्सिमम लोग अप्लाई करने वाले हैं पॉज करने के बाद जो मेरा दिमाग कहता है जो मेरा मन कहता है जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि बच्चे क्या करेंगे सर वी नो द फॉर्मूला फॉर रेंज विच इज यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी वट इज हाइट स्क्वायर स्क्वायर थीटा राइट ये काम हम लोगों ने कर लिया झूठ नहीं बोलना ठीक है मैक्सिम हम लोगों ने कर लिया जिन्होंने नहीं किया है उसमें दो लोग आएंगे या तो वो क्वेश्चन ही नहीं कर पा रहे या तो उन्होंने दूसरा मेथड लगा जिन्होंने दूसरा मेथड लगाया वेरी गुड नहीं किया तो भी कोई दिक्कत नहीं है जिन्होंने ये लगा है तो भी गुड अल्टीमेटली हमारा आउटकम है आंसर निकालना ये नहीं कि हम लोग को सुरवी टाइप करना या प्रूव करना किसी को एंसर आना चाहिए बट हाँ एक बात जरूर है कि इस मेथड में तुम्हारा काम बढ़ जाएगा तुम्हारा गलती होने के चांसेस बढ़ जाएंगे एंड जो मेथड टू है यू हो जाएगा एंड मेथड टू कुछ नहीं इसी का यही चीज है यार इसी को बढ़ा चढ़ा कर किसी को हम लोग एक्चुअली ऑलरेडी कर चुके इस काम को एंड वहीं से मेथड टू आया था तो देखो होगा क्या यू यू जी जी सब कटेगा जो बचेगा वो साइन टू थीटा और साइन स्क्वायर थीटा के बीच में एक रिलेशन बचेगा राइट right? तो तुम उसको सॉल्व करो वैसे या फिर या फिर हमें पता है सर कि डायरेक्टली आर बाई एच इज इक्वस टू फोर बाई टेन थीटा ठीक है इसको यूज कर लो सो so, तुम्हें आर और एच का वैल्यू पता आर इज टू टाइम्स ऑफ एच यानी टू इज इक्व टू बाई टेन थीटा सो टेन थीटा इज सॉरी फोर फोर सो टेन थीटा इज इक्व टू टू ठीक है एक तो ये तरीका अब ऐसा है कि यार कुछ बोलेंगे यार ये जादू है क्या ये जादू है यार तुमने कल डिराइव नहीं किया था ये क्या चीज है ये एक बात बताओ ये लो साइन टू थीटा कितना होता बेटा टू साइन तो काट टू कितना आ गया क्या क्या दिक्कत आ गई इसमें यह बताओ तो ऐसा नहीं कि तुम्हें यह रटने की जरूरत है ऐसा कुछ है ठीक है होता है कि कई जगह पर स्पेशली कोचिंग क्लास में ये रटा दिया जाता एक बार बताओ अगर तुमने नहीं रटा तुमको बेसिक पता तो क्या नहीं बना पाओगे क्या या ज्यादा टाइम ले लोगे हाँ एक स्टेप तुमने ज्यादा लिख दिया ठीक है तो एक स्टेप ज्यादा अफोर्ड कर सकते हो तुम इतना इतना भी टाइम का किल्लत नहीं कि तुम एक स्टेप नहीं लिख पाओ बट तुम्हारे पास तुमने लिख करके तुमने अश्योर कर लिया कि तुम्हें आता है ठीक है तो बात वही है तुम यहां से पहुंचोगे तुम वहां से पहुंचोगे तुम एक स्टेप आगे ज्यादा ज्यादा लिख करके पहुंचोगे बात वही है पहुंचने तुम वही वाले हो ये जरूर है कि तुम क्रॉस चेक करने के लिए इसको याद रख सकते हो कि तुमने जो आंसर ये निकाला था क्या ये सही है कि नहीं ठीक है या फिर ये याद है तो इससे क्रॉस चेक कर सकते हो अगर तुम्हारे पास एनफ टाइम है बट यूजुअली एक मेथड से चलो और बन जाएगा ऐसा कुछ नहीं होता कि तुम्हारे पास दस मेथड होने चाहिए दस मैथ ऑलरेडी यार।, यार इतना कुछ क्या याद करेगा आदमी इतनी सारी चीजें केमिस्ट्री का मैं क्या याद करने के लिए बायोलॉजी केमिस्ट्री मैथ्स मैथ्स में याद क्या करना मैथ्स इज अगेन मैथ्स तो दिखता मैथ्स इज एज गुड एज इक्वल टू फिजिक्स ठीक है मैथ्स में भी चीजें दिखती है फिजिक्स में भी चीजें दिखती है मैथ्स में दिखती नहीं है मैथ्स में हम लोग उसको दिखा लेते हैं देख लेते हैं कहीं ना कहीं से ठीक है वो देखना कैसे मैं तुम्हें सिखाऊंगा जब मैं मैथ्स पढ़ेंगे हम लोग तो तुम्हें मैथ्स दिखाऊंगा मैं ठीक है अभी तक तुमने मैथ्स पढ़ा हम लोग देखेंगे मैथ्स को बट केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी मेरे बस के बाहर की चीज़ है उसके लिए हम लोग अलग टीचर रखे हुए हैं एंड दे विल टीच यू वो लोग अपने एक्सपर्ट है वहाँ पर वो तुम्हें दिखाएंगे केमिस्ट्री क्या होता है बायोलॉजी क्या होता है मुझे बिल्कुल नहीं आता आई वॉज वेरी बैड विथ केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी तो ठीक है so, सो ठीक है आज का लेक्चर हम लोग का फिनिश हो जाता है आई होप आपको मजा आए होगा अच्छे अच्छे क्वेश्चन निकाले हमने हमने वेरिएशन ऑफ सीखा आर और एच का थीटा के साथ कैसा वेरिएशन होता है किस तरीके से वैरी करता है राइट right? अब हमारे पास यहाँ प्रोजेक्टाइल खत्म नहीं होता बेटा अभी प्रोजेक्टाइल शुरू हुआ अभी हम लोग ने सिर्फ बेसिक सीखा था आज कुछ क्वेश्चन निकाले थे अच्छे अच्छे राइट right? इसके बाद हमारा क्या टारगेट है मैं तुम्हें समझा देता हूँ और टारगेट इज द वेरी फर्स्ट थिंग जो हम लोग कल के नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे विथ इज ट्रेजेट्री ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल निकालेंगे हम लोग तुम्हें पता है रोज एक नया लेक्चर आता है सो यू डोंट हैव टू बी लाइक कीप वेटिंग कि दो दिन दस दिन में आएगा ठीक है फ्री ऑफ कॉस्ट इट इज़ अवेलेबल फॉर एवरी वन ऑफ यू गाइज तुम लोग शेयर करोगे तो बहुत अच्छा होगा बिकॉज ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा एंड ऑल्सो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा ठीक है सो वट एवर आई एम डूइंग इफ़ आई गेट मोटिवेटेड ऐसे तो आई डोंट नीड मोटिवेशन ऑनिस्टली बट ये शेयरिंग है ना शेयरिंग इज कैरिंग राइट सो बेसिकली यू हैव टू शेयर प्लीज़ शेयर करने की कोशिश करें इंस्टाग्राम पर करें ट्विटर पर करें फेसबुक पर करें यूट्यूब पर डायरेक्टली करे वो आपका मैटर करता है व्हाट्सअप पर करो जहाँ भी करो बट डू शेयर इट विद योर गाइज और मेक श्योर sure कि हम लोग ज्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक पहुँचाए एंड दिस इज एवरीथिंग इज गोइंग टू फिर मैं बार बार इस बात को कहता हूँ तुमसे तुम्हें कोई हडन चार्ज विज कुछ नहीं चिपकाने वाला कोई प्राइवेट वाइवेट नहीं करने वाला एवरीथिंग विल भी अवेलेबल टू यू लास्ट तक तुम तुम्हार, आओ तुम्हारे छोटे भाई बहन नेक्स्ट आगे आ, जाने वाली जनरेशन आई या जो भी आई तुम्हारे पहले देखने वाले जो भी लोग देख रहे हो इट इज़ अगोइंग टू भी फ्री ऑफ कॉस्ट यू कैन बी टेंशन फ्री बट हाँ और कंटेंट तुम्हारा मैं ये भी गारंटी देता हूँ कि कंटेंट में कहीं कमी नहीं होगी तुम अगर कंटेंट पढ़ते हो तुम ये लेक्चर्स अटेंड कर रहे हो तुम अगर मेहनत कर रहे हो रैंक कोई नहीं रोक रहा तुम्हारा एंड कोई भी बच्चा कहीं का भी आज भिड़ ले भिड़ लेगा मुझे टेंशन नहीं है मुझे पता है मेरे बच्चे निकाल देंगे ठीक है सो पढ़ते रहो सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन निकालते रहो प्लीज़ जो हम लोग ने पढ़ लिया मैं रोज कहता हूँ इस चीज़ को फिर कह रहा हूँ जो भी चीज़ तुम पढ़ चुके उसको उसको तिजोरी में नहीं रखना बेटा दिस इज नॉट अ इंटलेक्चुअल प्रॉपर्टीज को के साथ ऐसा नहीं कि तुम जितना उसको यूज़ करोगे उतना फायदा देगा ठीक है उसको ऐसा नहीं कि लॉकर में रख दिया जा करके कब निकालेंगे एग्जाम के एक रात पहले ठीक है ये आइडिया ये आइडिया है तो ड्रॉप कर दो अभी के अभी ठीक है बिकॉज बाद में पछताओगे सो कीप प्रैक्टिसिंग बेसिक मैथमेटिक्स हो गया जाओ वहां से उठाओ क्वेश्चन बनाओ लेक्चर नहीं अटेंड किया प्ले लिस्ट में सब कुछ मिल जाएगा बेसिक मैथमेटिक्स वेक्टर कानामेटिक्स काइनामेटिक्स स्टूडी जो भी चीज़ अब तक कवर हुई सब चीज़ मिल जाएंगी सबके क्वेश्चन रोज पंद्रह से बीस मिनट एक एक टॉपिक उठाओ क्वेश्चन निकालो और छोड़ दो ठीक है फिर नया पढ़ो ठीक है एंड सारे सब्जेक्ट के साथ ऐसा ही करना तुम्हें ठीक है सो कीप डूइंग दैट एंड कीप प्रैक्टिसिंग कीप हार्ड वर्क देखो हार्ड वर्क का कोई शॉर्टकट नहीं है कितना भी इंटेलिजेंट हो जाओ तुम आइंस्टाइन का दिमाग ले आओ बट विदाउट हार्ड वर्क इवन आइंस्टाइन इज जीरो ठीक है सो यू हैव टू डू द हार्ड वर्क हार्ड वर्क का कोई मतलब स्केप नहीं है ठीक है दे इज नो स्केप फॉर इट कीप हार्ड वर्किंग कीप प्रैक्टिसिंग पढ़ते रहो एंड सबसे इंपॉर्टेंटली खुश रहो यार ठीक है खुश रहोगे तभी तो कुछ कर पाओगे खुश रहो पढ़ते रहो एंड ऑल द बेस्ट